नया माल मंगवा तो रहे हैं, लेकिन ये याद नहीं कि पिछला माल कितना रह गया है। क्या आपको इन्वेंट्री मैनेज करने में दिक्कत पेश आ रही है? तो परेशान मत हो, क्योंकि डीजी खाता के नए फीचर स्टॉक बुक से आप अपने माल का मुकम्मल हिसाब रख सकते हैं, वो भी अपने फोन में। इस फीचर को आप होम स्क्रीन और मोर स्क्रीन दोनों से इस्तेमाल कर सकते हैं। नए आइटम को इन्वेंट्री में दर्ज करने के लिए एड न्यू आइटम पर क्लिक करें। नया आइटम इन्वेंट्री में शामिल करते वक्त आपको कुछ मालूमात दर्ज करना होंगी, जिसमें आइटम का नाम और उसकी पैमाइश का यूनिट शामिल है। आप फहरिस्त में शामिल आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले पैमाइश के यूनिट्स में से किसी एक का इंतखाब करें और कंटिन्यू का बटन प्रेस करें। लीजिए, एक आइटम का खाता बन गया है। अब अगर आपने ये आइटम किसी से खरीदा है तो इस आइटम का स्टॉक ऐड करने के लिए इन पर क्लिक करें। माल की मकदार और कीमत खरीद दर्ज करें। कुल रकम ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। तफसील के खाने में इस एंट्री से मुतालिक तफसीलात लिखें। बिल नंबर ऐड करें पर क्लिक करके बिल का नंबर ऐड करें। आप इस एंट्री में अपनी पार्टी को भी ऐड कर सकते हैं जिससे आपने ये आइटम उधार पर खरीदा है। पार्टी ऐड करने के लिए सेलेक्ट पार्टी के बटन पर क्लिक करें। लिस्ट में से पार्टी मुंतखब करें और अगर उस पार्टी का खाता पहले से मौजूद नहीं तो नया कस्टमर बनाए पर क्लिक करें। कॉन्टेक्ट लिस्ट फहरिस्त से डायरेक्टली पार्टी सेलेक्ट करें और अगर पार्टी कॉन्टेक्ट लिस्ट में शामिल नहीं तो उसी स्क्रीन पर खुद से पार्टी का नाम और नंबर ऑप्शनल लिख के कंटिन्यू पर क्लिक करें। कैमरा के बटन पर क्लिक करके इस एंट्री से मुतालिक तस्वीर भी इस एंट्री में अटैच कर सकते हैं। सेलिंग प्रोडक्ट, बिल्कुल इसी तरह अगर आपने कोई आइटम सेल किया है, बेचा है, तो इस आइटम का स्टॉक माइनस करने के लिए आउट पर क्लिक करें। माल की मकदार और कीमतें खरीद दर्ज करें। कुल रकम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। तफसील के खाने में इस एंट्री से मुतालिक तफसील लिखें। बिल नंबर ऐड करें पर क्लिक करके बिल का नंबर ऐड करें। पार्टी ऐड करने के लिए सेलेक्ट पार्टी के बटन पर क्लिक करें। लिस्ट में से पार्टी मुंतखब करें और अगर उस पार्टी का खाता पहले से मौजूद नहीं तो नया कस्टमर बनाए पर क्लिक करें। कॉन्टेक्ट लिस्ट फहरिस्त से डायरेक्ट पार्टी सेलेक्ट करें और अगर पार्टी कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी शामिल नहीं तो उसी स्क्रीन पर खुद से पार्टी का नाम और नंबर ऑप्शनल लिख के कंटिन्यू पर क्लिक करें। कैमरा के बटन पर क्लिक करके इस एंट्री से मुतालिक तस्वीर भी इस एंट्री में अटैच कर सकते हैं। आप किसी भी आइटम के स्टॉक इन और स्टॉक आउट की एंट्रीज डायरेक्ट कस्टमर्स, सप्लायर्स के खाते और कैशबुक से भी ऐड आइटम्स के बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। यही नहीं, पीडीएफ पर क्लिक करके सभी आइटम्स की लिस्ट बमा अवेलेबल स्टॉक हासिल करें। स्टॉक इन रिपोर्ट और स्टॉक आउट रिपोर्ट के बटन से अलग अलग और एरो के बटन पर क्लिक करके स्टॉक की मुकम्मल रिपोर्ट देखें और डाउनलोड करें। माल के फरोख्त की इनवॉइस बनाने के लिए स्टॉक आउट की एंट्री पर क्लिक करें। एंट्री डिटेल की स्क्रीन पर से क्रिएट इनवॉइस पर क्लिक करें और इनवॉइस तैयार है।